तो फ्रेंड्स, चावला स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें एशियाई इन्फोकॉम के बारे में, कंपनी के बारे में। ये बात जान लो, देख लो पूरी जन्म कुंडली इसकी, आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी अगर बाय किया है तो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में एशियाई इन्फोकॉम का एक भी यूनिट ना, ये वीडियो ओनली आपके लिए। डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, 14-15 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक पे रेशियो 1437 है, आर ए 0.30 है, आर ए 0.24 है। डेप्ट नहीं है, पलिस नहीं है। प्रमोटर के पास में 23% की हिस्सेदारी है। डीआई वाली नहीं है, एफआई वाली नहीं है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो रहा है, अर्निंग पर शेयर कुछ नहीं है। कंपनी में केस पड़ा है 6 करोड़ का। करंट एसेट है 8 करोड़ का। कंपनी में लाइब्रेटीज है 34 लाख की। नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इसकी क्वार्टर सेल्स और सेल्स ग्रोथ माइनस में है, ध्यान रखना। और इसकी बुक वैल्यू 1.51 रुपये, करंट प्राइस है 1.30 रुपये। तो फ्रेंड्स, कंपनी अपनी बुक वैल्यू के नीचे मिल रही है आपको एक तो। दूसरी बात, डेट फ्री है और प्लीज फ्री है। प्रमोटर के पास में माल भी है, एसेट भी है, सब कुछ इसका है, बस इसकी सेल्स वगैरह नहीं हो रही है। थोड़ी डिटेल और ले लेते। देखो, आज 1.36 रुपये का आ गया था और 1.29 रुपये का लो बनाया था। 52.62 रुपये से गिरी है। अब देखो दोस्तों, ये कंपनी भी भैया गिर गई है काफ़ी। 2-3 रुपये का शेयर आपको 1.5 रुपये में मिल रहा है। दूसरी बात, देखो अपने मल्टीपल सपोर्टों पर है तो यहाँ से नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि जाना होता तो कब की चली जाती। तो ऊपर वाले एवरेज कर लिए, फ्रेश इंटी वाले कर सकती हैं, बट थोड़ा लॉन्ग टाइम का नज़रिया होना चाहिए, क्योंकि पेन स्टॉक है। अब चलेंगे कभी भी पेन स्टॉक में अपन को रैली देखने को मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेन स्टॉक चले नहीं है। इस शेयर ने रिटर्न दिया था लेकिन पिछले 1 साल से घुमा रही है। मार्केट में 5 लाख आए थे, कल भी 5 लाख आए, 4 लाख ले गए, यानी 90% माल है। लोग घर पर भी लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ, सभी ऑपरेटरों के पास में माल दबा के है, मतलब किसी भी प्राणी ने है जो माल सेल कर नहीं किया अभी तक। और कंपनी पूरी स्टेबल है। देखो, प्रमोटर के पास में 23% की हिस्सेदारी है, अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, वरना तो प्रमोटर भाग जाते ना कोई फ्रॉड होता तो। यहाँ पर देखो इंडिकेटर क्या बोल रही हैं, कंपनी में अपॉर्चुनिटी 2 है, वीकनेस 6 है, स्ट्रॉन्ग 3 है, टेरिस है 3। और यहाँ पे देखो पॉजिटिव 9 है और नेगेटिव यहाँ पे 12 है। और यहाँ पे देखो पूरा शेयर है अभी जो बेरिश चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा सेल बेरिश है, बुलिश आया नहीं है। लेकिन देखो 80-90% माल है, लोग घर पे भी लेके जा रहे हैं। अब आपको क्या करना है, देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि टॉप केयर ने है जो 29 अप्रैल को 1.95 रुपये में लाखों यूनिट है से बाई किया था। टॉप गेन के पास में दबा के माल पड़ा हुआ है। अब देखो दोस्तों, कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर गई है। इस टाइम पर पेन स्टॉक नहीं चल रही, इस वजह से ये कंपनी भी नहीं चल रही है। तो यहाँ पर देखो इसने सपोर्ट बना रखा अपना, इन्हीं सपोर्टों को, मल्टीपल सपोर्ट है, तो यहाँ से नीचे बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आप होल्ड कर सकते हो, कभी भी अपर सर्किल लग जाएगा पेन स्टॉक में, कभी भी अपन को रैली देखने को मिल जाएगी। आई होप सारी बात समझ गए होंगे दोस्तों। थैंक यू।